देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, निकलते हैं। कोई ख़ास प्लान नहीं है कि कहाँ जाना है, बस निकल आए हैं हम यार। लेफ्ट पे आ गया हमारा, ये है सेंट पैट्रिक चर्च, कराची का सबसे बड़ा चर्च है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। वन ऑफ द बेस्ट सेंट जोसेफ कॉलेज। बाबा जी की वो ब्रेक ही नहीं है भाई। ये देखें हाई स्पीड ये जा रहा है स्टेशन, इसकी ट्रेन ना छूट जाए। सही कह रहे जी, ये ट्रेन वाला है। भगाओ बाबा भगाओ। सानी टैक्सी है, सानी काली वाली, ये भी मिलेगी कराची में भाई, सब मिलेगा सब। ये सर्जिकल मार्केट है कराची की, सबसे बड़ी मार्केट सर्जिकल। ये लेफ्ट पे आ गया जनाब। यार ये क्या है? ये एट्रियम है, एट्रियम शॉपिंग मॉल, एट्रियम सिनेमा और एट्रियम अब पॉपुलर है। कराची का सदर में जो है ना, काफ़ी अर्से पहले बना था, बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन खैर मेंटेन नहीं किया इन्होंने अब तक उसे सही। यार ये क्या हो रहा है? पूरी दुनिया के इन्होंने झंडे मंडे लगाए हुए, पता नहीं कोई ख़ास किस्म का प्रोग्राम हो रहा है, सब झंडे लगे हुए भाई मुख्तलिफ मुल्कों के। आगे जी जैनब मार्केट, सदर, ज़ैबुनिसा स्ट्रीट, राइट पे रियो रेक्स, लेफ्ट पे एट्रियम। अहमद कपड़े अच्छे मिलते हैं यहाँ पर। यार पेंट शर्ट्स वगैरह की अच्छी वैरायटी मिल जाती है यहाँ पर, और रेट भी मुनासिब होते हैं। ये वॉल्स की जो आइसक्रीम की आवाज़ है ना, ये रात को नींद में भी आती है। आदि हो गए भाई। ये सामने है मेट्रोपोल होटल, इस ज़माने का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शानदार होटल होता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ फिर बंद हो गया। और काफ़ी अरसे से हमारा इमारत जो है इसकी बिल्कुल बड़ी मखदूश हालत में है। मेट्रोपोल होटल कराची। ओए होए ये रहा भाई, ये देखे, ये है विलेज रेस्टोरेंट। क्या बात है यार, यहाँ मैं आया करता था जब मेरे पास वेस्पा हुआ करती थी। ये इसकी पार्किंग है, ज़बरदस्त किस्म का इनका खाना होता था, और अंदर छोटे छोटे वो हट टाइप के बने होते थे और ट्रेडिशनली। और मज़ा ये था कि उस वक़्त यहाँ पर लाइव जो है ना वो म्यूज़िक भी होता था। विलेज रेस्टोरेंट अब भी खुलता है रात में। ओ तेरी सही जगह आ गए भाई। ये आ गया भाई, ये आ गया ये कराची, द क्रिकेट सिटी एंड आई लव कराची। ओ खैर हो जी, कराची आई लव कराची। देखते हैं यहाँ पर कोई पार्किंग वगैरह मिलती है तो गाड़ी पार्क करता हूँ। अहमद भाई यहीं चले? हाँ हाँ, अहमद भाई भी कह रहे यहीं चलो भाई, यही लगाते हैं, यही बनाते हैं आज का ब्लॉग, और कुछ ना कुछ दिखाई देते यार आज आप। यहाँ लगाते छाँव में थोड़ी सी, बाबा जी बैठे हुए मोबाइल पे लगे हुए, पता नहीं क्या ढूंढ रहे, फिल्म देख रहे, क्या देख रहे भाई, कुछ ना कुछ तो देख ही रहे हूँ। चले जी, हमने यहाँ लगा दी गाड़ी। अच्छा जी, हम यहाँ पर जिस जगह पर आए हैं इत्तेफाकन आ गए यार। हम तो चलते चलते बस सदर से हमने प्लान किया कि चलो रास्ते में ये नज़र आ गई जगह, तो यहाँ मैं आ गया। और बड़े मज़े की बात बता दूँ, ये वो जगह है जैसे हम क्या कहते हैं टिकटॉकर्स की जन्नत। जी हाँ, जितने भी टिकटॉकर है या यूट्यूबर है वो लाजमी यहाँ पर आते हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट, और यहाँ पर आकर डेली बेसिस पर जो है वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं और उसी से फिर पॉपुलर होते हैं। यहाँ बड़ा एक ख़ास किस्म का मेला लगा होता है, तकरीबन टिकटॉकर्स यहाँ पर आकर जो है ना अपनी वीडियोस बनाते हैं। क्यों? एक तो थोड़ा सा इसका जो बाहर का एरिया है वो चारों तरफ इसके जो है ना वो ग्रीनरी है, लॉन है, दरख्त है मुख्तलिफ़ किस्म के। फिर ये पुरानी इमारत है फ्रेयर हॉल। फ्रेयर हॉल का मैं आपको बताऊं कि फ्रेयर हॉल जो है ये वो इमारत है, इस इमारत को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ पर 1960s में, आई थिंक 60s में, जिस वक्त मलिका एलिज़ाबेथ क्वीन पाकिस्तान उन्होंने विज़िट किया था, तो जो हमारे सदर थे, सदर जनरल अयूब खान, उन्होंने उनको जो वेलकम कराची में जो उस वक्त के मेयर थे और जो वेलकम सेरेमनी हुई थी वो यहाँ पर इसी फ्रेयर हॉल के जो है ना अहाते में हुई थी। तो और बड़ी इसकी तारीख़ है, बड़ा मुकाम है। और आजकल मेरे ख़्याल में ये बंद है, अंदर कोई लाइब्रेरी वगैरह शायद बना दी है। देखते हैं, अगर अंदर जाने दिया तो अंदर से भी आपको देखते हैं कि क्या है, पूछते हैं हम अंदर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा, अंदर वो लाइब्रेरी वगैरह, आर्ट गैलरी है, तो जा सकते हैं विजिट? जा सकते हैं, लेकिन पिक्चर नहीं बना सकते यार, हम अपने आर्ट की पिक्चर नहीं बना सकते। आपके आर्ट नहीं है ना, दूसरों का आर्ट है। नहीं तो हमारा तो कौमी असासा है यार। जी जी, अच्छा अच्छा, चले तो फिर जाना बेकार है, जब हम अंदर बना नहीं सकते हम बाहर से बनाते हैं। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। अच्छा जी, अंदर वो जो है ना इसके बकौल जो हमारे यहाँ गार्ड बैठे हुए वो कहते हैं, वो बता रहे हैं कि अंदर एक आर्ट गैलरी है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो फनपारे हैं वो यहाँ रखे गए हैं, लेकिन अंदर जो है ना वो वीडियो बनाना जो है ना वो अलाउ नहीं है, तो लिहाजा अंदर जाना बेकार है। मैं आपको बाहर से इसको डिस्कवर करके, एक्सप्लोर करके आपको दिखाता हूँ। ये जो फ्रेयर हॉल है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो जो गूगल पे देखी है मैंने। सर फ्रेयर होते थे वो, उन्होंने 18s में जो है ना यहाँ पर ये कराची का जो है ना टाउन हॉल बनाया था, और ये वाहिद जो है ना इस पूरे कराची का हॉल था, टाउन हॉल जिसे कहते हैं। और फिर वक्त के साथ साथ इसमें जो है ना ये इस्तेमाल होता रहा एज ए हॉल, और जो मुख्तलिफ़ किस्म की तकारीब कराची के हवाले से ब्रिटिश की होती थी वो यहीं पर होती थी। और मैंने बताया आपको 1960 में जो लास्ट यहाँ पर एक एलिज़ाबेथ क्वीन जब पाकिस्तान आई थी तो वो सेरेमनी भी कराची की यहीं हुई थी। लेकिन आजकल यहाँ पर एक एग्ज़िबिशन हॉल बना दिया गया, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फ़नपारे नुमाइश के लिए रखे होते हैं, लेकिन चंद मखसूस टाइम पर इसे खोला जाता है आम पब्लिक के लिए। वैसे जो है ना अगर खोला भी जाता है तो आप जाकर उनकी वीडियोस नहीं बना सकते। सादकिन आर्ट गैलरी, सादकिन साहब का बड़ा काम है यहाँ पर, और पाकिस्तान के बड़े फेमस आर्टिस्ट है वो, उनकी गैलरी बनी हुई है फ्रेयर पार्क, सादकिन आर्ट गैलरी। सादकिन साहब बड़े मशहूर जो आर्टिस्ट हमारे, उनके जो फनपारे हैं वो यहाँ पर रखे गए, तो आम पब्लिक जा सकती है। जी हाँ, सबके लिए, लेकिन वीडियो वगैरह अलाउ नहीं। हाँ, वीडियो अलाउ। फ्रेयर हॉल की क्या तारीख है कुछ? सर ये 53 में बनी है, ये 1853 टाइम की है। यहाँ के वो गवर्नर रह चुके फ्रेयर साहब, उनके नाम से ये बिल्डिंग है फ्रेयर हॉल।